नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 11 नवंबर को अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई रिलीज हो रही है, तो ऊंचाई के साथ साथ दोस्तों 6 और फिल्में रिलीज हो रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा बढ़िया कलेक्शन कर सकती है, कौन सी फिल्म सबसे आगे रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 6 फिल्में ऊंचाई के अलावा रिलीज हो रही है 11 नवंबर को, उसमें एक फिल्म का नाम है थाई मसाज, दूसरी फिल्म है रॉकेट गैंग, इसके अलावा तीसरी फिल्म का नाम है मिस्टर मम्मी, चौथी फिल्म का नाम है यशोदा, और दोस्तों पांचवी फिल्म का नाम है बाल नरेन, और दोस्तों एक फिल्म है मोनिका ओ माई डार्लिंग, राजकुमार राव और उमा कुरैशी की फिल्म है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, तो ये तो कोई मतलब क्लेश नहीं कह सकते इसको, तो ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। मोनिका ओ माई डार्लिंग, जिसमें राजकुमार राव तथा उमा कुरैशी प्रमुख भूमिका में है, तो इस फिल्म को छोड़ देते हैं। बाकी जो फिल्में हैं उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। बाल नरेन है, तो बाल नरेन से तो कोई विशेष उम्मीद नहीं है, ये फिल्म तो कोई ना कोई हाइप ना कोई क्रेज है फिल्म का, तो कोई ज्यादा कोई कलेक्शन इसका आने वाला नहीं है, और ऊंचाई के कलेक्शन में कोई विशेष फर्क ये नहीं डालेगी। इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म है थाई मसाज, तो ये भी एक कॉमेडी मूवी है, और इसकी भी एक कोई खास वर्ग के लोग जो खास किस्म की कॉमेडी मूवीज पसंद करते हैं वही इसको देखने के लिए जाने वाले हैं, तो इसका भी कोई ज्यादा कुछ कलेक्शन आने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से 20-30 लाख रुपए का कलेक्शन ये फिल्म करने वाली है, जिनका मैंने आपको नाम बताया पहले दिन। इसके अलावा दोस्तों एक फिल्म रॉकेट गैंग है, जो भी कोई ज्यादा इसका भी कोई बहुत ज्यादा है इसे उम्मीद है, इस फिल्म से भी लगाई नहीं जा सकती, तो इस फिल्म का भी ज्यादा कलेक्शन नहीं आने वाला है, और ऊंचाई को ज्यादा टक्कर ये फिल्म भी नहीं दे पाएगी। इसके अलावा दोस्तों दो फिल्में ऐसी है, एक तो मिस्टर मम्मी और दूसरी है यशोदा, ये दो फिल्में ऐसी है जो ऊंचाई फिल्म के लिए थोड़ा सा मतलब एक क्लेश पैदा करेगी, थोड़ा सा मतलब इनको टक्कर देगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मिस्टर मम्मी है, इसमें रितेश देशमुख तथा जेनेलिया डिसूजा प्रमुख भूमिका में है, और ये भी एक कॉमेडी मूवी है, और रितेश देशमुख किस प्रकार से प्रेग्नेंट दिखाया गया उनको, किस प्रकार से वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, साइंस का मिरेकल है या कोई मिस्ट्री है, क्या है, कोई चमत्कार है, तो एक कॉमेडी फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। रितेश देशमुख तो एक काफी अच्छे कलाकार माने जाते हैं, कम से कम कॉमेडी के मामले में, एंटरटेनिंग के मामले में वो एंटरटेन तो जरूर करते हैं। तो यहाँ इसका ट्रेलर है वो ठीक ठाक लगा मुझे, मैंने देखा था इसका ट्रेलर, कॉमेडी जरूर इस फिल्म में है, तो ये फिल्म कुछ अच्छा कलेक्शन पहले दिन कम से कम ओपनिंग अच्छी कर सकती है, ये फिल्म ठीक ठाक ओपनिंग कर सकती है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन ये फिल्म पहले दिन कर सकती है। वहीं दोस्तों इसके अलावा एक फिल्म यशोदा सामंतारूथ प्रभु, इसमें टाइटल भूमिका निभा रही है, तो इसका ट्रेलर भी ठीक था, कुछ अलग स्टोरी इसमें भी देखने को नजर आ रही है, तो ये फिल्म भी जरूर दर्शकों को कुछ ना कुछ अपील जरूर करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से मतलब 3 फिल्मों में ये टकराव होगा, जिसमें एक ऊंचाई, दूसरी यशोदा और तीसरी मिस्टर मम्मी। तो मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इन सब में भारी पड़ेगी ऊंचाई फिल्म, क्योंकि ऊंचाई फिल्म की क्रेज और हाइप है वो इन फिल्मों के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका एक तो जो राजश्री ने इसको प्रोड्यूस किया है, उसके अलावा दोस्तों सूरज बड़जात्या का डायरेक्शन है, जो काफी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको पहली बार 4 लीजेंडरी एक्टर अमित जी, डेनी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर साथ में नजर आ रहे हैं, और साथ में नीना गुप्ता है, नफीसा अली है, सारिका है, परिणीति चोपड़ा है, तो काफी अच्छी स्टार कास्ट है, और फिल्म का ट्रेलर भी काफी पसंद किया गया है। और जैसा कि राजश्री की फिल्मों में आमतौर पर म्यूजिक बहुत ही सुपर्ब होता है, मेलोडियस होता है, तो यहाँ पर भी बहुत ही मधुर संगीत आपको सुनने को मिलता है, और फिल्म के दो गाने केटी केटी हो या फिर अरे हो अंकल, दोनों ही काफी बड़े हिट हो चुके हैं। फिल्म की कहानी भी अलग है, माउंट एवरेस्ट के आपको दृश्य देखने को मिलने वाले हैं, नेपाल की शूटिंग है, तो काफी अच्छी लोकेशन है, विजुअल्स है, और 4 बुजुर्ग दोस्तों की कहानी है, तो काफी इंटरेस्टिंग इस फिल्म का प्लॉट है, और ये फिल्म दर्शकों को जरूर आकर्षित कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इन सभी फिल्मों में से 3 फिल्मों में मुख्य रूप से मुकाबला होगा यशोदा और मिस्टर मम्मी और ऊंचाई, और इनमें से सबसे ज्यादा बाजी मारेगी ऊंचाई। तो अभी तक इन फिल्मों की एडवांस बुकिंग तो स्टार्ट हुई नहीं है, एडवांस बुकिंग होगी तब और कुछ मैं बता पाऊंगा इनके बारे में, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ऊंचाई फिल्म कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की ओपनिंग अपने पहले दिन ले सकती है, क्योंकि फिल्म को लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। मैंने आपको अपने एक वीडियो में जानकारी दी थी कि राजश्री की नीति है कि पहले कम स्क्रीन पर रिलीज करेंगे, YRF से उन्होंने इस बारे में हाथ मिलाया, YRF फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी वही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कुछ टेरिटरी ऐसी है जहां पर राजश्री फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बाकी जगह YRF इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो ऊंचाई फिल्म का कम से कम पहले दिन का कलेक्शन 2-3 करोड़ रुपए रह सकता है, लेकिन एडवांस बुकिंग खुलने के बाद में आपको और ज्यादा एक्यूरेट कलेक्शन बता पाऊंगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पर कलेक्शन शायद मिस्टर मम्मी का रहेगा, और उसके बाद में यशोदा फिल्म का कलेक्शन रह सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको इन फिल्मों में से किससे सबसे ज्यादा उम्मीद है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।